पंचकुला में लगातार बढ़ती चोरियों की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति कर देती है। बुधवार रात भी चोरों ने पंचकुला सेक्टर 19 के एक घर को निशाना बनाते हुए घर से नकदी समेत करीब 1 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब घर के सभी सदस्य एक विवाह समारोह में शरीक होने जलंधर गए थे। इसकी जानकारी देते हुए घर की मालकिन बबीता ने बताया कि वे बुधवार दोपहर करीब 1 बजे गए थे और सुबह उन्हें पड़ोसियों ने घर में चोरी होने की जानकारी दी। बबीता के अनुसार चोर करीब 20,000 नगद, 4 चांदी की पायलें व 4 सोने के झुमके ले गए। बबीता ने बताया कि चोरी हुए सामान की कीमत करीब 1 लाख थी। बबीता बताएंगे कब हुआ ये आपका? हम लोग कल 1 बजे गए हैं दोपहर को, शादी में जाना था हम लोगों को जलंधर। तो सुबह 4 बजे मैं अपनी मम्मी के घर वापस आई हूँ, 7 बजे फोन आ गया कि आपका ताला टूटा हुआ है, हमारे पड़ोसियों ने फोन किया, तो हम उसी टाइम आए हैं। जो सामान था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उन्होंने नहीं खोली, बेड का सामान, अलमारियों का सामान, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उन्होंने खोली ना हो। मेरी पायले, चांदी का सामान काफी जोड़े, पायले थी 4-5 जोड़े वो पड़े थे, एक मेरी बेटी छोटी है उसकी पायल पड़ी थी, सोने की 2 बालियां थी उसकी जोड़ी, और एक रिंग थी उसकी, एक बड़ी रिंग थी, कैश 20-25 हजार करीब था। टोटल जो सामान वो गिफ्ट पैक वगैरह सारा कुछ लेके गए, 1 लाख के करीब हमारा नुकसान हुआ है। कपड़े लेके गए हैं, जो नए नए कपड़े थे वो सब ले गए हैं, बच्चे के कपड़े नए जो पैकिंग वाले थे वो ले गए हैं, बच्चे की गुल्लक तोड़ी उन्होंने 5-7 हजार, उसने वो जोड़ा हुआ था, कंजकों के पैसे जोड़े हुए वो सारे मेरी बेटी के ले गए। कंप्लेंट करवाई है, बलदेव सिंह जी आए थे तो उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी थी हमारी, तो अब हाथ जोड़ के उनसे, पुलिस से, हुड्डा जी से यही विनती है कि हम लोगों का तो खर्चा ही बहुत मुश्किल चलता है हमारा। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।